आज मेरा लास्ट डे है। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज मेरा लास्ट डे है घर पे, और फिर से कॉलेज वगैरह रीओपन हो रहा है तो जाना पड़ेगा फिर से। और बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड किया 10-15 दिन का, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब लाइक 6-7 महीने के कंटिन्यूस एक जैसे रूटीन के बाद लाइक 10-15-20 दिन का जो फ्री टाइम होता है ना, ये बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। तो गाइज आज मेरा लास्ट डे है घर पे। और हाँ, एक और बात, पिछले ब्लॉग के लिए रियली सो थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे कि ब्लॉग बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ मेरी ट्रेन पटना जंक्शन से एक पटना एर्नाकुलम है, शाम के 4:30 बजे है। तो अभी मैं पटना के लिए निकल रहा हूँ फ़िलहाल, अपने भाई के पास, वहाँ पर निकलेंगे और फिर वहीं पर वेट करेंगे, और फिर शाम में फिर वहाँ पे ट्रेन है तो फिर वहाँ से फिर अपना ट्रेन लेंगे। तो गाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा कंटिन्यू रहूँ इस ब्लॉगिंग में। तो मिलते हैं पटना पहुँच के। फाइनली हम पटना जंक्शन आ चुके हैं और सोनू मेरे को छोड़ने आया है, आप लोग देख सकते हैं पटना जंक्शन पर मैं आ चुका हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3:50 टाइम हो रहा है, अभी 4:30 बजे हमारी गाड़ी है, तो हम लोग अभी चलते हैं, ट्रेन आ चुकी होगी, हम लोग उसमें बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपको। मैं एक्सपीरियंस एक शेयर करते जाऊंगा, तो गाइस स्टे ट्यून, जो भी है लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तो गाइस फाइनली मैं अपने डब्बे के अंदर आ गया हूँ, अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे हाफ एन आवर में। तो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस भी सारा शेयर करता रहूँगा। ये पटना एर्नाकुलम से मैं पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ, बाकी हर बार मैं स्प्लिट करके चढ़ता हूँ, पहले यहाँ से कोलकाता, फिर कोलकाता से चेन्नई। एक मिनट, ये कहना B1 है ना? ये B1 है। बाय बाय पटना। तो गाइस फाइनली हम लोग पटना से निकल चुके हैं, गाड़ी खुल चुकी है एग्जैक्ट 4:30 पे। तो एक्चुअली ये गाड़ी जा रही है, पहले उत्तर प्रदेश टच करेगी, देन उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, देन मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, देन उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, एंड देन फिर तमिलनाडु। तो मैं इस एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इस ट्रेन पे पहली बार चढ़ा हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ ट्रेन को स्प्लिट करके, मैंने पहले भी बताया। तो गाइज़ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला है, तो गाइज़ स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर दबा देना अपनी तरफ से। तो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं फिर से। गाइज़ फाइनली वी आर हेयर, हम लोग बिहार क्रॉस कर चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन, जो कि पहले इसको मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है। आप लोग देख सकते हो पीछे हमारी ट्रेन लगी हुई है, तो ये रही हमारी ट्रेन और ये है हमारा बॉगी। दिस इज मुगलसराय जंक्शन,
सो फाइनली हम लोग वाराणसी से निकल चुके हैं और होपफुली अभी डिनर करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, फाइनली मैं जग चुका हूँ। ट्रेन बिल्कुल राइट चल रही है और एक चीज़ ट्रेन में मेरे को बहुत अच्छा लगा, कंफर्ट काफ़ी अच्छा था सीट पे, लाइक सीट में कुछ अलग तरह का कशन मतलब अंदर में दिया हुआ है, न्यू बोले ना, काफ़ी अच्छा था। और एक बुरी बात ये हुई कि हर एक ट्रेन की तरह इस ट्रेन में कोई ब्लैंकेट या कोई भी चौदह है ना लाइक चादर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं दिया था और हम घर से बिल्कुल अनप्लान्ड आए थे, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बाकी ऑल गुड, रात बहुत अच्छे से कटा, एक रात और काटनी है फिर कल हमें उतरना है ट्रेन से। तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो भाई ये आ रही हमारी इटारसी जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बहुत ही नाम से जाना जाता है इटारसी। यहाँ पे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या फेमस है, बट मेरे कुछ फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे तो उससे मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे पानी थोड़ा भर लेते हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है, बोतल है हमारे पास तो पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रुपये ले लेते हैं, 20 से 25 रुपये। यह है अपना इटारसी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत ही अच्छा है, मौसम गड़बड़ हो रहा है और इट्स टाइम टू से बाय टू इटारसी। 10 मिनट यहाँ पे स्टॉप रहा इसका, काफ़ी सही रहा था। ओ माई गॉड, ये व्यू गाइज यार रियली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और पता है एक चीज़ इत्तेफाक क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आई थिंक नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि आप बाहर के व्यू का आनंद ले सको। बहुत ही शानदार है, मतलब अभी मैं कैमरे से बना रहा हूँ और ग्लास की एक खिड़की है उससे बना रहा हूँ, अगर जो मैं बाहर जाके देखूँ ना तो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। बाहर इसलिए नहीं जाके देख रहा हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड चलती है और जब ट्रेन चलती है ना तो बहुत ज़्यादा सेक करती है, इसीलिए नहीं बाहर से देख रहा हूँ, बाकी बहुत ही ज़्यादा सही है। तो गाइज़ ये रहा हमारा सेकेंड डे का लंच जो कि हमने ऑर्डर किया पेंट्री से ही, कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं घर से कम ही खाना लेके आया था, खाना मिला जुला के बहुत सही है, बहुत सही रहा। सो गाइज बाय बाय, इट्स टाइम टू स्लीप, सोते हैं, कोई काम है नहीं, मूवीज़ देखने का मन नहीं कर रहा है तो अभी सोते हैं हम लोग, फिर हम उठ के आपसे बात करते हैं। तो हे गाइज, मैं सो के उठ चुका हूँ और काफ़ी अच्छी नींद थी। तो फाइनली अभी हमारी ट्रेन महाराष्ट्र में है, अभी एक मेरे को सिम पे मैसेज आया वेलकम टू महाराष्ट्र, वो सिम वाले मैसेज करते हैं ना तो वहीं से एक मैसेज आया। अभी काफ़ी टाइम, अभी नागपुर पहुंचने वाली है, लगता है 30 से 40 किलोमीटर हम लोग और पीछे हैं नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र में ही है। एक्चुअली ये जो ट्रेन है ये 4-5 स्टेट को टच करती है, अभी एक बार उड़ीसा भी आएगी, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, 4-5-6 स्टेट पे टच करती है फिर जाती है। ये देखो यहाँ का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही शानदार है। सीवंस ग्रीनरी कितना है, बहुत ही सही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इस रूट में नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, काफ़ी 4-5 घंटे से जब से मैं इटारसी से खुला हूँ तब से इस फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, और बहुत सही ग्रीनरी देखने को मिल रहा है। गाइस फाइनली हम लोग नागपुर स्टेशन पे आ चुके हैं, मौसम बहुत सही हो रहा है, नज़ारा भी बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदते हैं, कुछ भूख लगा है, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ तब आप लोग को यहाँ का नज़ारा कैसा है। ये हमारा नागपुर है, वो हमारी ट्रेन। कॉफ़ी मिल जाएगा भैया, कॉफ़ी एक कॉफ़ी देना।
तो गाइस डिनर कर लिया है हमने और अब सोने का प्लान करते हैं. सो मिलते हैं सुबह में. गुड मॉर्निंग. सो वेलकम टू द थर्ड डे. आज तीसरा दिन है और फाइनली हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट चल रही है और अभी हम गुडूर जंक्शन पे आए हैं और बस गुडूर के बाद पेरमपुर, इसके बाद मुझे उतरना है जो कि 9:30 बजे तक मुझे उतार देगी. तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा जर्नी का. ट्रेन लेट नहीं हुई, सबसे अच्छी बात ये थी. तो आई होप आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा. मेरा एक अच्छा ट्राई था कि एक अच्छा एक ब्लॉग, एक अच्छा तरह से एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैंने ट्राई किया. तो मिलते हैं अभी अगले स्टेशन पे उतर के आपसे बात करेंगे. यहाँ पे बस 2 मिनट का स्टॉपेज है, उसके बाद बस गाड़ी अभी खुलने वाली है. इसके बाद हमारा स्टॉपेज है तो सामान भी पैक करना है इधर उधर, जो भी है उसको रख के रख लेना है पहले, उसके बाद अभी चलते हैं. तो भाइयों अब आ गया है वक्त उतरने का. अभी उतरेंगे, आप बाहर का नज़ारा देख लो. ये है हमारा पेरम्बूर का आउटर. अभी चले उतरने. तो गाइस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ये टोटल 43 आवर्स का ये जर्नी रहा हमारा. बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस दिया. आई होप आप लोग को भी ये चीज़ पसंद आई होगी. तो गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया होगा बहुत, क्योंकि कंटेंट बहुत ही ज़्यादा वीडियो में हो गया था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि अभी बस करते हैं, इसलिए मैं शूट करता चला गया. तो अभी बस आउटर पे रोक के रखा है. अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे बस 1 से 2 मिनट में, उसके बाद फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए जो भी, अगर तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को, अपने भाई के चैनल को. वीडियो भी अब आएगी, मैंने अपना मन बना लिया है, वीडियो अब कंटिन्यूसली आती रहेगी. तो गाइज तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में. स्टे ट्यून, बने रहें और अपना ख्याल रखें. बाय.